आप देख रहे हैं निशाद जियो न्यूज की ताजा खबर। और आज आपको फिर लेकर के चलते हैं गोरखपुर में, जहां पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी यानी महागठबंधन कह लीजिए, महागठबंधन ने गोरखपुर से अपना प्रत्याशी जो है कि वो राम भुवाल निषाद जी को घोषित कर दिया है। इस गोरखपुर सीट पर मचे घमासान में, निषाद समुदाय के नेताओं के बीच मचे घमासान में, जहां पर पहले समाजवादी पार्टी छोड़ करके अमरिंदर निषाद जा करके भाजपा में शामिल हो गए थे, और वहीं पर जबकि महागठबंधन में शामिल निषाद पार्टी जो कि सीटों के लेकर के विचारों में मतभेद चल रहा था महागठबंधन में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से, और उस पर जो है कि सहमति नहीं बन पाई है लास्ट समय में जो है कि यहाँ पर जो है कि निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय कुमार निषाद जो है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जाकर के मुलाकात किए। हालांकि अभी तक कुछ ऐसा विश्व सूत्रों से निकल कर आया नहीं है कि हो क्या रहा है, लेकिन इस घमासान में जो है कि ये समाजवादी पार्टी ने क्या किया है कि वो तो राम भुवाल निषाद जी को यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से जो है कि यहाँ पर टिकट फाइनल कर दिया है और उनको अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो इस तरह की जो है कि बदलते राजनीतिक क्रम में गोरखपुर में पल पल की घटना को हम कवर कर रहे हैं, और इस पल पल की घटना को हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे, और आप देखते रहिए इस तरह से जो है कि इतनी यहाँ पर रोचक जो है कि परिप्रेक्ष्य हो रहा है, रोचक जो है कि मैटर यहाँ पर सामने आ रहा है, पल पल में कुछ न कुछ बदल रहा है, इतना तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम गोरखपुर में बदल रहा है। इसको कर दिखाया है कि निषाद समुदाय के नेताओं ने ऐसा कर दिया है अब कि अब हर राजनीतिक पार्टी जो है निषाद समुदाय को अपना प्रत्याशी बनाना चाहती है। तो अभी तक न्यूज निकल रही थी कि गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान सांसद प्रवीण निषाद भी जो है कि वहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक हालांकि ऐसा कुछ फाइनल हो नहीं पाया है, जहां पर कि राष्ट्रीय निषाद जो है कि डॉक्टर संजय कुमार निषाद जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत जारी रखे हुए हैं। जैसी न्यूज हमारे पास, जैसी अपडेट खबर हमारे पास आएगी, हम आप तक वह खबर जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन हाल फिलहाल अभी यहां पर जो है कि समाजवादी पार्टी ने बड़ा दांव चला, और उस दांव को चलते हुए यहां पर जो है कि राम भुवाल निषाद जी को, जो कि निषाद समुदाय के वो भी एक बड़े नेता माने जाते हैं, और वो जो है कि बसपा में, भाजपा में, समाजवादी पार्टी में, सभी राजनीतिक दलों में वो भी जाकर के राजनीति कर चुके हैं, तो उनको अपना प्रत्याशी बना दिया।